मॉडर्न बाबा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। रहस्य, ज्ञान और विविधता की अगर बात की जाए तो सबसे पहले भारत का नाम आता है। भारत के प्राचीन वास्तुकला को पूरे विश्व ने ताजमहल के रूप में सराहा। इसी प्रकार एक और शानदार वास्तुकला का नमूना है कुतुब मीनार। बचपन से हमें पढ़ाया गया है कि कुतुब मीनार को एक मुगल राजा ने 800 साल पहले बनाया था, जिनका नाम कुतुब अल दीन ऐबक है। इन्हें कुतुब उद्दीन नाम से भी जाना जाता है। भारत का सबसे पहला मस्जिद कुतुब मीनार और फेमस मुगल राजाओं के कब्र से भरपूर होने की वजह से इस जगह को यूनाइटेड नेशंस ने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी नाम दिया है। पर क्या कुतुब मीनार को सच में एक मुगल राजा ने बनाया था? जानते हैं इस वीडियो में। हम सबसे पहले यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं, इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी धर्म या आस्था को नुकसान पहुंचाना नहीं है। हम आपके सामने यहाँ पर सिर्फ कुछ तथ्य पेश करने जा रहे हैं। इन तथ्यों के आधार पर अंतिम निर्णय आपका ही होगा। कुतुब मीनार को अगर यूं ही देखा जाए तो यह बिल्कुल ही एक मुगल संरचना लगती है। अरबी में दीवारों पर कुरान के पंक्ति उकेरे गए हैं। पूरी संरचना मुगल डिजाइन से भरी पड़ी है। इन सभी चीजों को देखते हुए कोई भी इस बात से नहीं नकार सकता कि यह मुगलों द्वारा बनाया गया था। पर एक नजर पास के इस अधूरे कंस्ट्रक्शन पर डालते हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक गुंबद बन रहा था जो अधूरा रह गया। इस गुंबद के नीचे जो पिलर्स हैं वो किसी हिंदू मंदिर के पिलर से मिलते जुलते हैं। आमतौर पर जिन घंटियों का इस्तेमाल हिंदू मान्यताओं में होता है, वैसी ही घंटियां इन पिलर्स पे बने हुए हैं। और पास से देखने से हमें गणेश भगवान की मूर्ति दिखती है, जिनके चेहरे को मिटाया गया है। गणेश भगवान की तरह और भी हिंदू भगवानों का मूर्ति यहाँ पर क्षति पहुंचाया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि हिंदू मूर्तियां कुतुब मीनार के कैंपस में क्या कर रही है। अगर हम नीचे से देखें तो वहां पर हमें रामायण के चित्र उकेरे हुए देख सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि भगवान या किसी भी इंसान की मूर्ति या आकृति को दीवारों पर उकेरना इस्लाम में सख्त मना है। अब इन दो दृश्यों पर नजर डालते हैं। लेफ्ट की ओर मस्जिद है, जिसे भारत के सबसे पहले मस्जिद के रूप में जाना जाता है। राइट में हिंदू टेम्पल है, जिसके ऊपर इस्लामी गुंबद बना हुआ है। दोनों दृश्यों में बस इतना ही फर्क है कि राइट वाले को मुगल राजा फिनिशिंग नहीं कर पाए। अगर इसके गुंबद को पूरा कर दिया जाता, पॉलिश वगैरह करके दीवारों पे कुरान के पंक्ति अगर उकेर दिए जाते, तो यह बिल्डिंग भी ऐसा ही लगता कि इसे मुगलों ने बनाया। ये दोनों ही कुतुब मीनार परिसर में कुछ 100 फीट की दूरी पर मौजूद है। इस परिसर पर जब हम विभिन्न संरचनाओं से होकर गुजरेंगे और अगर इसके गुंबद को बस इग्नोर कर दिया जाए तो अंदर से यह बिल्कुल एक हिंदू मंदिर जैसा लगता है। मुगलों ने इसे तोड़कर कुछ नया बनाने की नहीं सोची, वो जो ऑलरेडी बना हुआ था उसके ऊपर छोटा मोटा बदलाव करके इसे अपनी संरचना का नाम देने में लग गए। और ऐसा इस गुंबद को देखकर कहा जा सकता है, जो बाकी सभी स्ट्रक्चर से बिल्कुल अलग है। ये सभी तथ्य तो आसपास के स्ट्रक्चर्स के हैं, पर इससे यह साबित नहीं होता कि कुतुब मीनार को मुगलों ने नहीं बनाया। तो आखिर कुतुब मीनार को किसने बनाया? इस बात को समझने के लिए हमें यह समझना जरूरी है कि इसको बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या था। 240 फीट के टावर को बनाने की आखिर क्या जरूरत पड़ी? हिस्टोरियंस का मानना है कि इसे मीनार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। मीनार एक ऐसा बिल्डिंग होता है जिसके ऊपर खड़े होकर लोगों को मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए बुलाया जाता है। पर इस थ्योरी में कुछ खामियां हैं। किसी भी मीनार को इतना क्यों सजाया जाएगा जबकि मुख्य मस्जिद ही जर्जर स्थिति में है? किसी भी मीनार का मुख्य द्वार पूर्व की ओर खुलता है जबकि कुतुब मीनार का मुख्य द्वार उत्तर की ओर खुलता है। ज्यादातर हिंदू मंदिरों का मुख्य द्वार भी उत्तर की ओर ही खुलता है। इसके अंदर जो स्पाइरल सीढ़ी है उसको इस्तेमाल करके अगर ऊपर चढ़ा जाए तो 45 मिनट लगते हैं। अगर ऐसा है तो कोई भी दिन में 5 बार ऊपर नीचे कैसे कर सकते हैं?
मान लीजिए ऐसा कर भी लिया जाता है, तो भी इसके ऊपर से अगर पूरे फेफड़े के जोर को लगाकर भी चिल्लाया जाए तो भी आवाज़ नीचे नहीं पहुंचेगी। उतने ऊपर से जो भी आवाज़ निकलता है वह ऊपर हवा में ही खो जाता है। उतने ऊपर से नीचे आवाज़ पहुंचाने के लिए माइक की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि 800 साल पहले उपलब्ध नहीं थी। हिस्टोरियंस का यह भी कहना है कि इसे कुतुबुद्दीन की जीत की खुशी में बनाया गया। अगर कुतुबुद्दीन को अपनी शक्ति का इतना ही प्रदर्शन करने का शौक था तो उन्होंने कुतुब मीनार की दीवारों पर अपना नाम क्यों नहीं लिखवाया? वहाँ पर अरबी में बहुत सारे मुहावरे उकेरे गए हैं, तो वहाँ पर उन्होंने अपना नाम क्यों नहीं लिखवाया? पास ही में जो मस्जिद है वहाँ पर उनका नाम लिखा हुआ, इसका मतलब उस मस्जिद को कुतुबुद्दीन ने ही बनवाया था। तो फिर अगर वो अपने शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते और एशिया का सबसे ऊंचा टावर बनवा रहे थे तो वहाँ पर वो अपना नाम लिखवाना क्यों भूल गए? कुछ और लोगों का यह कहना है कि इसे वॉच टावर के लिए बनाया गया था, पर यह भी बेबुनियाद है क्योंकि वहाँ पर आसपास कोई किला नहीं है। कुतुबुद्दीन तो लाहौर में रहते थे जो कि कुतुब मीनार से 400 किलोमीटर की दूरी पर है। वैसे भी किसी भी वॉच टावर के दीवार को कुरान के पंक्तियों से सजाया नहीं जाता। और गौर करने वाली बात कुतुब मीनार का पोजीशन है। कुतुब मीनार के चारों ओर हिंदू स्ट्रक्चर्स हैं जो कि कुतुबुद्दीन के आने से पहले ही बन गए थे। तो अगर हम इस बात को मानते हैं कि कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ने ही बनाया था, तो हमें यह भी मानना पड़ेगा कि हिंदुओं ने स्ट्रक्चर्स का निर्माण कुतुबुद्दीन के आने से पहले किया और बीचों बीच जगह छोड़ दिया ताकि कुतुबुद्दीन एक दिन आएंगे और कुतुब मीनार बनाएंगे। कुछ इतिहासकारों का यह भी कहना है कि इस 5 मंजिला टावर को अलग अलग राजाओं ने कई सदियों तक बनाया। टेक्निकली अगर बात की जाए तो यह भी बेबुनियाद है। मानते हैं कि एक राजा एक ही मंजिल बनाने की सोचता तो वह उसकी नींव उतनी ही गहरी रखता जितना एक मंजिल को बनाने के लिए ज़रूरत है। अब अगर दूसरा राजा आता तो वह उसके नींव को जाकर गहरा नहीं कर पाता कि दूसरा फ्लोर बन पाए। इतने विशाल स्ट्रक्चर को बनाने के लिए प्रॉपर डिटेल्ड प्लानिंग की ज़रूरत होती है। अब एक और तर्क यह दिया जा सकता है कि उन्हें यह डिज़ाइन पसंद आया हो और वो इसे बनाने का ऑर्डर दे दिया हो, पर यह बात भी बिल्कुल गलत है क्योंकि इस्लाम में घंटी को अपवित्र माना गया है। पैगंबर मोहम्मद ने कहा था, घंटी शैतान का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। इसके उलट हिंदू मंदिरों में घंटी का इस्तेमाल देखा जा सकता है और ऐसे ही घंटी और चैन का इस्तेमाल कई घरों में सजाने के लिए किया जाता है। कुतुब मीनार और उसके आसपास के स्ट्रक्चर्स को अगर देखा जाए तो वो दोनों ही सेम मटेरियल से बने हुए हैं। चूंकि कुतुब मीनार के आसपास के स्ट्रक्चर्स कुतुबुद्दीन के आने से पहले ही बन गए थे, तो इसका मतलब यह होता है कि कुतुब मीनार भी कुतुबुद्दीन के आने से पहले ही बन गया था। तो कुतुब मीनार को आखिर बनाया क्यों गया था? कुछ विद्वानों का कहना है कि इसे भारत के एक विद्वान एस्ट्रोनॉमर ऋषि वराह मिहिर द्वारा बनवाया गया था, जिसे वो अपने एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस के लिए यूज करते थे। पर इसके रिगार्डिंग कुछ तथ्य अभी मौजूद नहीं है, तो इसको लेकर भी अभी कुछ खास कहा नहीं जा सकता। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा और आपका इस बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करें। अगर आपने अब तक के सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोज़ मिलते रहें। धन्यवाद।